नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अखिल भारतीय वैष्णव बरागी परिषद का स्नेह मिलन समारोह भीलवाड़ा जिले के मटुनिया में वैष्णव बरागी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरके वैष्णव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। स्नेह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरके वैष्णव ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जिले में तहसील स्तर पर अधिक से अधिक समाज बंधुओं को जोड़कर जिला एवं तहसील स्तरीय कार्यकारिणी बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी राधेश्याम बैरागी उपस्थित समाज बंधुओं से एकजुट रहने, समाज हित में कार्य करने की बात कही। बैरागी ने कहा कि यदि हम एकजुट रहें तो बड़ी से बड़ी बाधा को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। उन्होंने समाज बंधुओं से एकजुटता पर जोर देते हुए समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही। बैरागी ने कहा कि शिक्षा ही सफलता के सभी मार्ग प्रशस्त करती है, इसलिए सभी समाज बंधु अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ाने का काम करें। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गोपाल वैष्णव अहमदाबाद ने कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सभी समाज बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष भुवनेश वैष्णव, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री चंदू भाई साधु, राष्ट्रीय युवा संगठन महासचिव राजू भाई वैष्णव, राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष देवेंद्र वैष्णव, नाथद्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश वैष्णव, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सीता वैष्णव भीलवाड़ा, राजा साध वैष्णव, वैष्णव बरागी महासभा के अध्यक्ष रतन दास मियां फलास का खेड़ा ने भी संबोधित किया। जिलाध्यक्ष जमुना दास वैष्णव, महामंत्री महावीर वैष्णव, उपाध्यक्ष राजाराम वैष्णव भीलवाड़ा, हितेश वैष्णव जयपुरा, सचिव रमेश वैष्णव, रायपुर कोषाध्यक्ष डॉ अखिलेश वैष्णव ने आभार जताया। इस दौरान अखिल भारतीय वैष्णव बरागी परिषद के सभी सदस्य व समाजजन उपस्थित थे। आज जो ये स्नेह मिलन आयोजन हुआ उसके ऊपर मैं आप क्या कहना चाहते हैं? आज भीलवाड़ा जिला इकाई द्वारा जो सम्मेलन किया गया उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि समाज की जो समस्या है उसके बारे में हमें अवगत कराया गया। विशेषकर अभी जो विजयनगर की जो घटना घटी थी और दो तीन पीड़ित परिवार जो राजसमंद जिले से थे, जहाँ पे इसका कृषि का जो कटाई करके उनका कृषि को उन्होंने हड़प किया था, तो उसके लिए हमने सरकार के सामने विरोध किया और कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया और तत्काल कार्रवाई करके सरकार ने हमें न्याय भी दिया। दूसरा विषय यह है कि समाज को हम संगठित करें और समाज को संगठित करने के लिए सभी हमारे जिला अध्यक्ष की इकाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की इकाई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, विशेषकर चंदू भाई जो हमारे अहमदाबाद से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, हमारे राजस्थान प्रभारी है श्री राधेश्याम जी, हमारे राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष भुवनेश जी और हमारे यूथ के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री गोपाल जी और राजू जी, हमारे बीच में सब साथ में एक टीम आई हुई है और हमने उनके साथ व्यक्ति